सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंठ दिया कोयल को सुंदरता छीन ली और सुंदरता दी मोर को इच्छाएं छीन ली और इच्छाएं दी मनुष्य को। इच्छाएं दी किसको? मनुष्य को। एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी, दूसरी समाप्त होती है तो तीसरी, तीसरी समाप्त होती चौथी आ जाती है महाराज। इच्छाएं दी मनुष्य को तो मोक्ष छीन लिया। जब इच्छाएं ज्यादा हो जाएंगी तो मोक्ष कहां होगा महाराज? मोक्ष नहीं होगा फिर। और मोक्ष दिया, इच्छाएं छीन ली। मोक्ष दिया साधु संतों को, मोक्ष दिया साधु संतों को तो ये संसार छीन लिया। आपके पास संसार है, इच्छाएं हैं, हमारे पास केवल मोक्ष है लेकिन संसार नहीं। जैसे गंगा बहती रहती, आज यहां कल वहां, परसों वहां चली जाती है, ऐसे ही होते हैं संत महापुरुष, वो कहीं नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं। इसीलिए मोक्ष दिया साधु समाज को, संत समाज को तो संसार छीन लिया, और ये संसार दिया देवी देवताओं को चलाने के लिए तो उनका मोक्ष छीन लिया। देवी देवताओं का मोक्ष नहीं होता है क्योंकि वो तो जीवित रहते हैं, अमर हैं, वो भी तरसते हैं इस मोक्ष के लिए। जिस जीवन में आपको मोक्ष मिल सकता है, बाबा जी ने हिमाचल में जो आश्रम बनाया है वहां लिख दिया मोक्ष द्वार। कई लोग तो पढ़ के ही डर जाते हैं, मोक्ष द्वार, इसमें नहीं जाना भैया, यहां तो मोक्ष हो जाएगा, जाएंगे। वो मोक्ष द्वार इसलिए लिखा क्योंकि वो साधु आश्रम है, साधु आश्रम भी साथ में लिख दिया, साधु रहें मोक्ष पाएं। आप जैसे लोग जाएं, भगवान की भक्ति करें, आप भी मोक्ष पाएं।